गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद शंचरिता। सो स्कूल नहीं जा रही हूँ, मंदिर के लिए निकल रही हूँ। स्कूल आज छुट्टी है शहीद दिवस का, तो अभी बज रहे हैं 11 और देर से ही मैं आज मंदिर जा रही हूँ क्योंकि अच्छी तरह से पूजा करना है, थोड़ा भीड़ कम रहेगा। सुबह सुबह मंदिर जब खुलता है ना 9:30 बजे, तब तो बहुत भीड़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर आप जा रहे हैं। तो चलिए मंदिर जाके फिर मिलती हूँ। गाइस, एक तो था आज फास्टिंग का दिन और ऊपर से मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, अभी तक ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत अच्छा एक ब्लॉग हम लोग शूट किए थे शाम, मतलब 6 बजे से मैं अपलोड करने का ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। पता नहीं कब तक ब्लॉग जाएगा, पता नहीं। और मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर ही मैं बिज़ी रहा पूरा शाम भर, मुझे बाहर भी थोड़ा जाना था, वो भी नहीं हुआ। बहुत डिसगस्टिंग सिचुएशन है। देखती हूँ, अनिर्बन को बोला है थोड़ा सा देखने के लिए, और पोको आया है। हेलो भैया, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है अपलोडिंग में, नहीं नेट में ही, बस एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है वीडियो। अनिर्बन को बोला है, वो देख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से मैं अपना टाइम से बहुत लेट हो चुका है। मतलब टाइम तो 6:30 बजे का रहता है मेरा शाम के, तो अभी 9:30 बज गया है। कल भी ऐसा हुआ था, इसलिए कल भी लेट हुआ अपलोड करने में, और आज भी सब कुछ तो निकालना पड़ेगा इसका हल। तो अभी क्या करना है, अनिर्बन उसका सॉल्व कर रहे हैं और मैं नहीं कर सकती। मतलब मेरा एकदम सर दर्द हो गया, सॉल्व करते करते नहीं हुआ। तो बाहर बुक्स पैकिंग करना है, पता नहीं दुकान का कुछ, हमारे बुक शॉप का कुछ बुक्स है, दादा लेके आए हैं सारे, बहुत सारा है, मतलब शायद 50 पीस ऐसा है। सबको गिफ्ट रैपर में रैप करना है, तो ये एक अच्छा काम रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम। चलिए बुक कर लेती हूँ। नहीं हो रहा है, पता नहीं कब तक ब्लॉग जाएगा, पता नहीं। और मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर ही मैं बिज़ी रहा पूरा शाम भर, मुझे बाहर भी थोड़ा जाना था, वो भी नहीं हुआ। बहुत डिसगस्टिंग सिचुएशन है। देखती हूँ, अनिर्बन को बोला है थोड़ा सा देखने के लिए, और पोको आया है। ऑल डन। ये है फर्स्ट प्राइज, ये है सेकंड प्राइज, और ये है थर्ड प्राइज। ओके, 75 पीसेस। सेकंड प्राइज की ये थर्ड कौन कौन और एक है यहाँ जो काम को कम नहीं हमेशा बिगाड़ के रखता है, बड़ा के रखता है। की को ले तुम्हें बोलो, की हेलो कोरे पाउडर को फेंक दिया है, उसके ऊपर ऑयल को लगा दिया है, ये सब करके आया है। अच्छा